अगस्त अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता। बुलेटिन आरंभ करबा वर्तमान रो हेडलाइंस रो। आजि सिडनी डायलॉग रे दीक्षांत भाषण प्रदान करले प्रधानमंत्री मोदी। भारतर प्रजुक्ति उद्भावन और विप्लव उपरे देले उद्बोधन। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को सह पूर्वतन जापान प्रधानमंत्री उपस्थित। कोविड टीकाकरण में पुणि थे भारतर रेकर्ड 38 कोटी टपिला। दुईट डोज नहीं व्यक्ति संख्या देश में वर्तमान सुधा मोट टीकाकरण 113 कोटी पार। हर घर दस्तक माध्यम रे टीकाकरण प्रति आग्रह और विश्वास बढ़ुवा कहले केंद्र स्वास्थ्य मंत्री। राज्य में कम्युनिस्ट शिक्षयित्री ममिता मेहर हत्याकांड ताती। ममिता को न्याय प्रदान दाबी रे बीजेपी दस्तखत अभियान जारी। दस्तखत मध्य गृहराष्ट्रमंत्री दिव्यशंकर मिश्र को मंत्रिमंडल बहिष्कार दाबी। बुधवार मास्टर कैंटीन पर आज बरमुंडा बसस्टाण हो दस्तखत अभियान। कम देलानी विजु स्मार्ट कार्ड। कार्ड पाइबार दिनक पर सरीगला कार्डर भैलीडिटी। रोगी को फेराई देला घरोई मेडिकल। बरगड़ बरपाली ब्लॉक कईसर गांव आसला विजु स्मार्ट कार्ड योजनार बास्तव चित्र। आसंताल स्थलभाग छुईब बंगोपसगर सक्रिय लघुचाप। दक्षिण आंध्रप्रदेश उत्तर तामिलनाडु अंचल लघुचाप छुईब स्थलभाग। 24 घंटा मध्य दक्षिण ओडिशा रे केतेक जिले में प्रबल वर्षा संभावना। कोहला पाग जो बढ़ुची रातिर तापमात्रा। पंचकर आज चतुर्थ दिन लक्ष्मी नृसिंह बेश सेजू दर्शन। आज राति 11 जाए चतुर्थ मूर्ति दर्शन अनुमति। कोविड गाइडलाइन रे महाप्रभु दर्शन कर श्रद्धा। आसवा संपूर्ण खबर को। आज सिडनी डायलॉग रे दीक्षांत भाषण प्रदान करिसेंति भारतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीसी माध्यम रे पीएम मोदी एक कार्यक्रम रे जोड़ी हेबा सह निजर अभिभाषण रखिसेंति। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को प्रारंभिक भाषण पर प्रधानमंत्री मोदी भारतर प्रजुक्ति उद्भावन विप्लव उपरे उद्बोधन देइछन्ति। भारतर टीकाकरण टेक्नोलॉजी द्वारा सफल होइछि। कोविन और आरोग्य सेतु आप द्वारा देश में 110 कोटी टीकाकरण हो पारिछि प्रधानमंत्री। 17 नवंबर आरंभ होता सिडनी डायलॉग 19 तारीख पर्यंत चलो। एथे दुनिया को आसुवा नूतन प्रजुक्ति विद्या और यार आह्वान गुड़ नहीं सरकारी राजनीतिक और व्यावसायिक विशेषज्ञ मैंने आलोचना कर। It is a great honor for the people of India that you have invited me to deliver the keynote at the inaugural Sydney Dialogue. I see this as a recognition of India's central role in the Indo-Pacific region and in the emerging digital world. It is also a tribute to the comprehensive strategic partnership between our two countries, a force of good for the region and the world. I congratulate the Sydney Dialogue for its focus on emerging critical and cyber technologies. Friends, we are in a time of change that happens once in an era. The digital age is changing everything around us. It has redefined politics, economy, and society. It is raising new questions on sovereignty, governance, ethics, law, rights, and security. It is reshaping international competition, power, and leadership. It has ushered in a new era of opportunities for progress and prosperity.
But we also face new risks and new forms of conflicts across diverse threats from seabed to cyber to space. पवित्र पंचुकर आज चतुर्थ दिन कार्तिक मास शुक्लपक्ष वैकुंठ चतुर्दशी तिथि श्रीमंदिर शिवविग्रह मान डाळिकिया लक्ष्मी नृसिंह बेश भक्त दर्शन देउछन्ते। आज श्रीजीवान अवकाश नीति शेष होगा पर लक्ष्मी नृसिंह बेश आरंभ सेवात मान रत्न भंडार आनीता विभिन्न प्रकार सुवर्ण अलंकार शिवविग्रह मान सजे गत राति 11टा पर्यंत भक्त महाप्रभु दर्शन करिबार सुजोग मिलता बेले आज मध्यराति 11टा पर्यंत श्रीमंदिर भक्तों पर खोला रही मंदिर प्रशासन तरफ कहुई पूर्वपरी कोविड गाइडलाइन मुताबक दर्शन व्यवस्था जारी रही जमापड़ तेरे सीधासख नहीं चलु पुरी आम प्रतिनिधि आलोक आशुतोष आम सहित जोड़ आलोक आज पंचुकर चतुर्थ दिन आम देखि था जिते बड़े पंचुक कथा आसे किंबा कार्तिक मास कथा आसे बेस पुरी आध्यात्मिक परिवेश पुरी रे सृष्टि हुए भक्त जनगहली देखा मिले आज चित्र कौन एवं विशेषकर भक्त केते मात्रा रे आसुछंती महाप्रभु दर्शन पाई निश्चित निवेदिता श्रीक्षेत्र संपूर्ण रूपे चलचंचल हो पड़ी संपूर्ण रूपे भक्तिमय परिवेश जगन्नाथमय परिवेश सृष्टि कारण आज बड़ अन्य दिन आज पंचुकर चतुर्थ दिन अर्थात आज लक्ष्मी नृसिंह बेश महाप्रभु लक्षाधिक भक्त को दर्शन देउछन्ते एवं आज मध्य वैकुंठ चतुर्दशी महाप्रभुंकर आज जी लक्ष्मी नृसिंह बेश को दर्शन कर से वैकुंठ प्राप्ति हुए बोली जहाँ विश्वास अच्छे आम सीधा सड़क आलोचना करवा डॉक्टर शरत महांती गवेषक आम सहित जोड़ते आज्ञा वैकुंठ चतुर्दशी आज आज लक्ष्मी नृसिंह बेश किभली नीतिकांति तो वर्तमान आरंभ हो अवकाश पर आरंभ हो महाप्रभु से बेश किभली महाप्रभु से शोभा पाँच किभली बेश हो आज वैकुंठ चतुर्दशी महात्म्य कौन देखो वैकुंठ चतुर्दशी हूँ कार्तिक मासर जो पंचुक पांच दिन में चतुर्थ दिवस को चतुर्थ कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को वैकुंठ चतुर्दशी कह जाए वैकुंठ चतुर्दशी जी कह एथर पंजिका गणना अनुसार गत काली वैकुंठ चतुर्दशी प्रकृत में रही है आज जेहेतु क्षय पड़ी आज हूँ चतुर्दशी तिथि महाप्रभुंर लक्ष्मी नृसिंह बेश डाळिकिया बेश महाप्रभु आज दर्शन दौरान तेणु आज दिन में जो भक्त मैंने महाप्रभु दर्शन लाभ करेंगे सेमानकर अनेक प्रकार जो ग्रह जनित बाधा बा शारीरिक पीड़ा सेगुड़िक महाप्रभु हरण करेंगे ये विश्वास रही लक्ष्मी नृसिंह मम देह करावलम्बम प्रार्थना करा तेणु लक्ष्मी सानिध्य दुईटी बेश पंचुक पांच दिन भितर रही था गोटे हूँ लक्ष्मी नारायण बेश आ गोटे हूँ लक्ष्मी नृसिंह बेश आज हूँ चतुर्दशी दिवस आज लक्ष्मी नृसिंह बेश को महाप्रभु धारण करुछंती बेश प्रत्युषर जितेबाला अवकाश नीति सर महाप्रभुंर स्नानादि कार्य सर तापर पुष्पाक पालिया मेकअप चांगड़ा मेकअप सिंगारी सेवायत माने समस्ते मिसिकी गोष्ठीगत भाव में महाप्रभु को ये बेश महण महण सुनारे आभूषण रे सज्जित करिवे एवं डाळ आकार रे सुवर्ण पत्र गुड़िक रहुथवारु ए बेशर अन्य एक नाम मध्य डाळिकिया बेश एवं आज दिन रे मध्य श्रीक्षेत्र पाटगणारे बा महाप्रभुंकर मंदिर आभ्यंतर रे कल्पवृक्ष आसिकी पहुँची थे तेणु कल्पवृक्ष आविर्भाव दिवस बोली कहुए कौन विभूषित होती श्री पयर श्रीभुज देखो महाप्रभु आज जो विभूषित होती जो सुना बेश कहले साधारणतः वर्षक पांच थर जो बेश हाँ से सुना बेश दोल पूर्णमी विजयादशमी कार्तिक पूर्णमी हाँ कि आज अनेक लोक जाणि नथिबे ये बेश पांच दिन व्यापी ये मध्य सुवर्ण बेश ये सुवर्ण बेश रे किरीट को बाद देले बाकी महाप्रभुंकर जिते प्रकार आभूषण रही रत्न चिता रत्न ओडियाणी सूर्यचंद्र आड़कानी तापर महाप्रभुंकर अपूर्व से सुवर्ण किया गुड़िक जो गुड़िक सब डाळ आकार रे मथारे खोसा जाइथिबो ता सहित शंख चक्र हल मुसल श्रीभुज श्रीपयर हरिडामाळी सेवतीमाळी कंठीमाळी एमती अनेक प्रकार आभूषण सहित महाप्रभु तुलसी एवं बासना फूल माळती फूल मध्ये परिधान करथिबे निवेदिता जहाँ प्रतिक्रिया शुणुथिले महाप्रभु आज लक्ष्मी नृसिंह बेश रे बा डाळिकिया बेश रे लक्षाधिक भक्त साधारण को दर्शन दौछन अन्यपटे गुरुत्वपूर्ण सूचना हो आपण जानिछन्ते जेहेतु आसंता काली पवित्र कार्तिक पूर्णिमा महाप्रभु राजा राजेश्वर बेश रे सुना बेश रे दर्शन देबे किंतु भक्त साधारण दर्शन करिपारिबे नै जेहेतु प्रबल भिड़ को दृष्टि रखी आसंता काली श्रीमंदिर बंद रखा जिवो तो सेथि पई गत काली राती 11टा पर्यंत दर्शन व्यवस्था जारी रही
ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସକାଳ 7ଟାରୁ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲି ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଏବଂ ଆଜି ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେହେତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅନେକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥଯାତ୍ରାର ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ କରିକି ଡଙ୍ଗା ବସେଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ସୁନାବେଶରେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ ମହୋଦଧି ତଟରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରାତି 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ। ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ନେବେ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଯେହେତୁ ଆଜି ନିବେଦିତା, ଆଜି ଦର୍ଶନ କଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ବେଶ ବା ଡାଳିକିଆ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବେଶ ଗହଳି ଛୁଟୁଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଆଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଥଯାତ୍ରା ଭଳି ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଚଳିତ ଥର ଆମର ଟିକେ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କମ୍ ସେ କମ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ, ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀରୁ ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲେ। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ରାହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଆଗନ୍ତୁକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭଦ୍ରକର ଆରଡ଼ି ପୀଠ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତା ସହ ପୀଠରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 144 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବାବାଙ୍କ ଶିବଗଙ୍ଗା, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ସମେତ କୌଣସି ଜଳ ଉତ୍ସରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଓ ଡଙ୍ଗା ବସା ଯିବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଅନ୍ୟପଟେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପାଳିଆ ସେବାୟତ ଓ ଅନ୍ୟ ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବାବାଙ୍କ ହରଗୌରୀ ବେଶ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି। ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ସିଧାସଳଖ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାଗିରଥୀ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ କୋଭିଡ କଟକଣା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବାବା ଆରଡ଼ିଙ୍କ ପୀଠରେ? ଆରଡ଼ିର ଯୋଉ ବାବା ଆଖଣ୍ଡ ପୀଠ ରହିଛି, ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ। ଯୋଉ ଶିବଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରଣ ରହିଛି ସେଠି ଲୋକମାନେ ବୁଡ ପକେଇଲା ପରେ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ହରଗୌରୀ ବେଶ ଯୋଉ ରହିଛି ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯୋଉ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଏସ୍ଓପି ମଧ୍ୟ ଏସ୍ଓପି ଜାରି କରାଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ, ଯେପରି ଭକ୍ତମାନେ ଭିତରକୁ ନ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଖାଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ସେବାୟତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ବନ୍ଦ ରହିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଶିବଗଙ୍ଗା ପୁଷ୍କରିଣୀ ଏବଂ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇଛି। ଆରଡ଼ିରେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୀଠରେ ରାହାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦର୍ଶନ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସିଧା ସକାମକୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏ ବାବଦରେ। ଅର୍ଗସ ଅପଡେଟ୍ରେ ସବୁ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ରମେଶ କୁମାର ନାଗଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ଉ କରାଯାଇଛି। ରମେଶଙ୍କ ବଲାଙ୍ଗୀରସ୍ଥିତ ଶାନ୍ତିପଡ଼ା ଘର, ତାଲପାଲିପଡ଼ାର ପୈତୃକ ଘର ସହ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ଉ କରିଛି। ଚଢ଼ଉ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଓ ଜମିବାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର ଓ କିଛି ସୁନାଗହଣା ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଏସ୍ପିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଏହି ଚଢ଼ଉ କରିଛନ୍ତି। ରମେଶ ଆୟବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଭିଜିଲାନ୍ସ ନିକଟରେ ହୋଇଥିଲା। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତଦନ୍ତ କରି ଆଜି ତାଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରମେଶ କୁମାର ନାଗ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସଫେର ବୋଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ବିଶେଷ କିଛି ନାଇଁ କରି, ଯେହେତୁ ମୋର 32 ବର୍ଷ ଚାକିରି ହେଲାଣ, ତାର ବାହାରେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମେ ରହୁଛୁ, ସବୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଏ ଭାଇ ଆମର ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଅଛନ୍, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି, ମୋର ବାପା ଗୋଟେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା କିଛି ନେଇନ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଆକାଉଣ୍ଟରେ କିଛି ପଇସା ନେଇନ, ଆଉ ସେଇଟା ତ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ନିଜେ ତାର କାଲକୁଲେସନ୍ କଲା ପରେ ଜାଣିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଚଢ଼ାଉ ବୋଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗଟେ ପାଇଛୁ ବୋଲିକରି ସେ ହିସାବରେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେନ୍ତା କିଛି ନାଇଁ କରିବେ, ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ବିଲକୁଲ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ମିଥ୍ୟା।
आर्वत संपत्ति ठूल अभोग में सुवर्णपुर उपजिला अफिस्र मुख्य किराणी रमेश कुमार नाक घर आज भिजिलांस पक्ष चढ़ऊ कर अधिक आलोचना करने तरुण साहू बलांगीर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ तरुण केमी भिजिलांस पाखे खबर पहुंचला प्रकृत में अभोग कौन होजिलांस निकट में केत चढ़ऊ आरंभ होगा बर्तमान पर्यटन चढ़ऊ चली ना केत परिमाणर संपत्ति ठूल अभोग रही बर्तमान पर्यटन भिजिलांस हाथ में कौन सबू तथ्य लगी देखो निवेदिता सोनपुर उपजिला अफिस मुख्य किराणी जी रही रमेश कुमार नाक घर आज भिजिलांस पक्ष चढ़ाऊ कर प्रथम बलांगीर तालपल्लीपड़ा निकटस्थ पैतृक घरे चढ़ाऊ कर बलांगीर भिजिलांस टीम और जो रही बलांगीर शांतिपड़ा निकट घर रही आलिशान बंगला कहु जार आनुमानिक मूल्य एक कोटी अधिक टंका हम बोली अनुमान घरे वर्तमान पर्यंत रेड चली रेड बेले घर अनेक गुड़ा चाबी लॉकर चाबी विजिलेंस हाथ में लगी जमी बाड़ी कोठा संपर्कित कागज पत्र बैंक बैलेंस तन्न तन्न कर जांच करुछि विजिलेंस विभाग पक्षर एक कालीन तीन स्थान में रेड हबार जेहेतु सोनपुर उपजिला अफिस रही आज दसटा बेले ही सोनपुर उपजिला अफिस वर्तमान पर्यंत चढ़ऊ जारी रही विभिन्न कागजात पत्र विजिलेंस हाथ में लगी कि आयर बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभोग होता जो आधार में विजिलेंस पक्षर अतर्कित भाव में चढ़ाऊ कर वर्तमान सोनपुर उपजिला अफिस जो चैंबर रही चैंबर रमेश कुमार नाक घर वर्तमान पक्षर विजिलेंस चढ़ाऊ कर चढ़ाऊ में संबलपुर बलांगीर और सोनपुर विजिलेंस टीम चढ़ाऊ में सामिल होती जहां अनुमान आयर बहिर्भूत संपत्ति ठूल करजिलांस अभोग होता रेड चली सुवर्णपुर उपजिलापाल ऑफिस मुख्य किराणी रमेश कुमार नाग आज घर विजिलेंस पक्ष चढ़ऊ कर बहुत बहुत धन्यवाद अरुण साहू बलांगीर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ी थे तेज रमेश बलांगीर स्थित शांतिपड़ा घर तालपालीपड़ार पैतृक घर सह सुवर्णपुर कार्यालय विजिलेंस टीम चढ़ऊ कर भुवनेश्वर मंचेश्वरु नवजातक मृतदेह उद्धार मंचेश्वर सनसाइन हस्पिटाल निकट गली शिशुर मृतदेह उद्धार होई किए और कहीं शिशुर मृतदेह एठार आनी पक एपर्तंत स्पष्ट होना स्थानीय लोके पुलिस को खबर दे भुवनेश्वर मंचेश्वर नवजातक मृतदेह उद्धार मंचेश्वर सनसाइन हॉस्पिटल निकट गली शिशुर मृतदेह उद्धार हो किए और कहीं शिशुर मृतदेह एठार आनी पक एपर्तंत स्पष्ट हो ना बेले स्थानीय लोके पुलिस को खबर दे अभिनव उपाय जलेश्वर तहसिल कार्यालय सम्मुखें प्रतिवाद जनइले कार्यालय पूर्वतन कर्मचारी थाल धरी भिक्षावृत्ति करुवा देखा मिली व्यक्ति जनक होती अवसरप्राप्त कर्मचारी धीरेन मारांडी घटना अनुजाई कार्यर अवसर नापर पेनसन दौड़ी दौड़ी निराश होगापर एभली उपाय प्रतिवाद जन से तेज यह बाबदे तहसिलदार मुह खोलुन बेले घटनार तदंत हो अतिरिक्त तहसिलदार राजस्व विभाग में 1983 मसीहा चाकरी कर छा तहसिल बुले आसिकी लास्ट मोर जलेश्वर तहसिल अवसर नहीं मोर सरकार तरफ जो पाणा देवा कथा मो कथा एत बार कहला भी कहीं शुणुना कि बुझुना जहाँफल मो सरकार घर 8 लाख टका लोन अच्छी मो घर दिन राति डिपार्टमेंट जा मो छुआ मो स्त्री मत बारंबार तागिद करपरि जहाँफल कि मुझे बर्तमान चाहूँ सहित सुसाइड कर पारे घर भितर विद्युत तार सजाड़ा बेले अघटन विद्युत आघात जो युवक मृत्यु घटी अभावनीय घटना घटी भंजनगर ब्लॉक ब्राह्मणपदर ग्राम प्रशांत नायक निज घर भितर विद्युत बोर्ड में एक तार लगाता बेले विद्युत संस्पर्शे आसी जहाँफल घटनास्थल मृत्यु घटी गजपति मोहना थाना चंद्रगिरी गंजे बोझे गाड़ी जबत बोलेरो जोगे ब्रह्मपुर को गंजे चोराचालाण करा जणक गिरफ्त करिछि मोहना पुलिस गिरफ्त जणक मोहना थाना चंद्रगिरी ग्रामर प्रताप बीरो मोहना थाना टीम
तलासी ग्राम निकटे पेट्रोलिंग करुवा बेले गंजे गाड़ी को जबत कर भद्रक चांदबाली ब्लॉक सिंगिटी गाँव में दुखद घटना जड़े शिशुपुत्र पोखरी में बुड़ा जो मृत्यु घटी शिशुटी गाँव में खेलुवा समय पोखरी में पड़ जाता पर लोके खोजाखोजी करने पोखरी मध्य उद्धार करते चिकित्सापी चांदबाली मेडिका भर्ती करते सेठे डाक्तर शिशुटी को मृत घोषणा कर मृत शिशु जनक होती रामचंद्र नायकों पु दिव्यांशु नायक बालेश्वर नीलगिरी में डकायती उद्यम पंड उदलापूर्त रास्तार सजनागड़ निकटस्थ तीनकोशिया जंगली रास्ता उपरे गच्छ गड़ाई डकायती उद्यम करा भुवनेश्वर जाउथिबा एक यात्रीबाही बस को टार्गेट करा तबे रास्ता रे गच्छ गड़ाई बस को अटकई डकायती उद्यम करुथिले दुर्बृत्त नीलगिरी वन विभाग कर्मचारी खबर पाई घटनास्थल में पहुंची फल जंगली रास्ता दे दुर्बृत्त खसी पड़ाइथिले संबलपुर कुचिंडा घोषा छक सड़क दुर्घटना अजना गाड़ी धक्के साइकिल आरोही मृत मृतक जनक से ग्रामर बिजु सेठी दुर्घटना पर क्षतिपूरण दाबी में घटनास्थल में ग्रामवासी पहुंची रास्ता रोक करते घटनास्थल में आईआईसी पहुंची ग्रामवासी सहित आलोचना करते क्षतिपूरण दाबी में अड़ी बसी ग्राम बासिंदा घटनास्थल में कुचिंडा उपजिलापाल कुचिंडा एसडीपीओ पहुंची लोकों बुझासुझा करने सहित से रास्तार उभय पार्श्वे फर्म्स और क्षतिपूरण प्रतिश्रुति यापर रास्ता रोक घटी घटना किसी है नहीं से लज ने काम करूँ आ घर जीवा टाइम थी एक्सीडेंट आम कही जानी आम पड़ार जड़े कहले आ तुम हजबैंड एक्सीडेंट होइछन कहले बोले आम आसीचु आम जानी आम ये आम जेहेतु मोर तीन तीन टा छुआ अच्छा आज्ञा आम बहुत गरीब दिन कमाले दिन खाऊ मोर हजबैंड काम करूँ बोले मुझे किए दब आज मोर छुआ पे लगे मुई अति कहते 20 लाख टाँग इटा तो आम कहम पहला जो रोड टा तैयार आम कहलु रोड टा टे चौड़ा टे कर तार पाखपाख घर रख भांग आम घोषा बाला मरले जाकि तुम यहाँ करब कि आम जानूँ हेल्ले आज गोटे मरीचे से लोक जेन गरीब लोक टे जेन मरला ताके 20 लक्ष टंका पूरा दि जाऊ आज घर भांगी कर आमर दुही साइड ने बम्फर दि जाऊ जाए मानमु ना नि मानु आम एंता बसीथमु सकाल जाकर जेते बेल जाकर क्षतिपूरण दिया नहीं है जाकर हमें बस देखो इटा प्रशासन अवहेला जो ये बड़े दुर्घटनाटे घटी आमर जेन झुलेन पोल से भांगला पर आम बारंबार प्रशासन के इटा दाबी जनईं झुलेन पोल शीघ्र मरामति हो बोलिकी किंतु प्रशासन जेन हिसाब से अवहेला कला आई जेन बायपास रोड जेन कला इति जेन ई ट्रक मैंने भारी जेन ट्रक मैंने जाऊन आऊन तो इति इठाने ट्राफिक रो किसी व्यवस्था नहीं न गोटे हाईमैक्स लाइट रो भी किसी व्यवस्था नहीं न बोलिकी आज मोर वार्ड रणेकर गोटे गरीब परिवार जने दुर्घटन प्राण हरईन तो आमर इटा दाबी रोचे जे आमर ये सुनाजोर छक गोटे हाईमैक्स लाइट व्यवस्था करा जाऊ तार संगे संगे रोड दुई आड़े होम्स व्यवस्था करा जाऊ एवं जेन तांकर परिवार के जार मृत्यु है तांकर परिवार के 20 लक्ष टंका क्षतिपूरण दि जाऊ बोलिकी आमर दाबी इटा रहला अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को बड़ सफलता मिली 166 ईएसजी बेंचमार्क स्कोर हासिल कला अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड विश्वर वैद्युतिक उपयोगी उद्योग स्कोर 138 एवं एजीईएल यार ईएसजी स्कोर को आहरी उन्नत करने को प्रतिश्रुतिबद्ध रही अदानी ग्रीन एनर्जी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को बड़ सफलता 166 ईएसजी बेंचमार्क स्कोर हासिल कला अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड विश्वर वैद्युतिक उपयोगी उद्योग स्कोर 138 एजीएल यार ईएसजी स्कोर को आहरी उन्नत करने को प्रतिश्रुतिबद्ध विश्वर सर्वबृहत सौरशक्ति विकासकारी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कॉर्पोरेट जीडीईसी द्वारा करा सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट सर्वे 2021 रे 66 पॉइंट हासिल कर
जहाँ विश्वर हरारी वैद्युतिक उपयोगी उद्योग स्कोर 38 ठारु जथेष्ट अधिक। सफलता भारत को एक स्वच्छ सबुज भविष्य आड़ को आगे नेबा आदानी ग्रुप रो एक प्रदर्शन बोली एजीएल मुख्य सस्टेनेबिलिटी अधिकारी संतोष कुमार सिंह कहते। एक स्वतंत्र शिल्प आभिमुख्य सहित एसएनपी ग्लोबल ईएसजी स्कोर तीनटी अंतर्निहित परिवेश सामाजिक एवं शासन एवं अर्थनैतिक परिमाप स्कोर सहित ईएसजी बुद्धि एकाधिक स्तर प्रदान करे। एजीएल प्रारंभ में ईएसजी बेंचमार्क डीजेएसआई एसएनपी ग्लोबल सहित जोगाजोग करथिला एवं एप्रिल 2021 51 स्कोर करथिला जेउथिरे वर्तमान 15 पॉइंट वृद्धि होई 66 रे पहुंचीछि। एजीएल एहार नीति एवं अभ्यास को अधिक परिष्कार करिबा सहित सूचना प्रकाश प्रक्रिया को मजबूत करी एहार ईएसजी कार्य दक्षता को उन्नत करने को प्रतिश्रुतिबद्ध बोली कंपनी पक्ष कहुछि। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। एबे खेल संपर्कित खबर को आईसीसी 19 वर्ष कम विश्वकप 2022 जनवरी वेस्टइंडीज खेल मेगा इवेंट एथरे ग्रुप बी रे रही भारत दक्षिण आफ्रिका आयरलैंड एवं उगांडा ग्रुप बी रे रही तबे जनवरी 15 तारीख में दक्षिण आफ्रिका विपक्ष में विश्वकप अभियान आरंभ कर भारत। समय सरी वर्तमान खबर एति मत विदाय दिंतु। नमस्कार।